गुंडागर्दी चल रही है देश में, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी नहीं है। ये लोकतंत्र पर हमला है, लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। पूरी गुंडागर्दी है, अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर दिया है। रिमांड को लेकर वहां पर दलीलों का दौर जारी है। जो ईडी के वकील है एसवी राजू, वो अपना पक्ष रख चुके हैं और अब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलील दे रहे हैं। 50% बयान में केजरीवाल का नाम नहीं है, ये बड़ा दावा किया गया है अभिषेक मनु सिंह के द्वारा। रेड्डी गिरफ्तार हुआ क्योंकि नाम नहीं लिया, केजरीवाल का नाम ना लेने पर गिरफ्तारी हो रही है। तो केजरीवाल का नाम ना लेने पर गिरफ्तारी, ये अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा इस समय दलील दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 घंटे 45 मिनट यानी 1.25 घंटे का समय हो चुका है रिमांड पर चलने वाली। ये लगता है कि अभी तक की सबसे बड़ी बहस होगी, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि रिमांड जो है उस पर एप्लीकेशन लगाई जाती है और 10 से 15 मिनट में पूरे मामले की सुनवाई हो जाती है और रिमांड ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन इसमें इस समय जोरदार बहस चल रही है। ईडी की तरफ से सीनियर वकील एसवी राजू पेश हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से रमेश गुप्ता, विक्रम चौधरी, लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी इस समय कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। जो ईडी के मन के मुताबिक बयान न दे उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, बयान के बदले गिरफ्तारी की बात की जा रही है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी इस समय कोर्ट में दलील दे रहे हैं। इधर कोर्ट में सुनवाई के लिए जाने से पहले केजरीवाल ने बयान देते हुए कहा कि मेरा पूरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे मैं जेल में रहूं या फिर बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। तो ये तो आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उस समय सुना जिस समय वो कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे ईडी की टीम उनको लेकर। और देखिए केजरीवाल के वकील ने जो दलीलें दी हैं, सॉलिड दलीलें। अभिषेक मनु सिंह भी जाने माने वकील हैं, अपनी क्षेत्र में महारत रखते हैं। ईडी ने ये नया तरीका निकाला है, पहले गिरफ्तार करो फिर मनमाफिक बयान लो, जो बयान दे उसे जमानत दे दो, जो बयान ना दे उसे गिरफ्तार कर लो। ईडी ने अब ये नया तरीका निकाला है। ये अभिषेक मनु सिंह भी इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलील दे रहे हैं और कावेरी बावेजा की कोर्ट में ये पूरा मामला इस समय सुना जा रहा है।